मास्टर साहब जय मसीह। और हाथ पैर में घुटने में दर्द दर ही से, पूरा शरीर में दर्द दर ही से, प्रभु परमेश्वर हा ठीक करी से। मैं और कोटि कोटि धन्यवाद करत हूँ प्रभुला। और ऑपरेशन में थोड़ा सूजन आवत रही से, बहुत दिन हो गए हो रही से, वो सूजन आवत रही से, बोला प्रभु ठीक करी से। मैं धन्यवाद करत हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करत हूँ परमेश्वर ला। और सब लोग पास्टर साहब जय मसीह की मोर चंगाई करी से प्रभु हा, परमेश्वर ला मैं धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया। हमें क्या, हर एक एक मसीह भाई बहनों को, सभी को परमेश्वर ने एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई उम्मीद दी। और परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में हमारे प्राणों की रक्षा किया, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया, एक नया सूर्य उदय किया। उस परमेश्वर का हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज आपने हमें बचाया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारे घर परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यों, इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु आपके जीवन में जो भी शैतानी ताकत है वो उसका सर्वनाश होगा। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो आपके काम में अड़चने आ रही हैं, आपके काम रुके पड़े हुए हैं, आपकी बीमारियां आपके घर से नहीं जा रही हैं, आपके शरीर से नहीं जा रही हैं, आपके घरों में बहुत सारी इसमें बीमारी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां का आप सामना कर रहे हैं, आपके बच्चों के जीवन बहुत सर्दी जुकाम बुखार इस समय चल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की जो संक्रमण बीमारी है, जो शैतानी ताकत है, जो दुष्ट आत्माएँ, गंदी आत्माएँ आपके जीवन में हैं, आपके घर में हैं, वो सब कुछ क्लियर होगा। और परमेश्वर उसे आज्ञा के द्वारा हर एक शैतानी ताकत को, हर एक प्रकार के बंधन को जो आपके जीवन में आज रुकावटें आ रही हैं, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, जो आज आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको उठा करके खड़ा करेगा और अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी वो रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। क्योंकि परमेश्वर आज जो भूत प्रेत हैं आज आपके जीवन से, वो हर एक एक भूत शैतान ताकत, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन का सर्वनाश परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना को कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन में आज ढेर सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाइयों, हम जिस तरीके से बाइबल के वचनों को देखते हैं, बाइबल के वचनों में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है, शैतान के समान ही भूत प्रेतों के विनाश पर मसीह के कलवरी पर छाप लगा दी है, अर्थात कुंड भूत प्रेतों के द्वारा दंड का एक मध्यवर्ती स्थान है। इस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जो भी शैतानी ताकत है, जो भी बंधने हैं, जो शैतान के समान ही भूत प्रेत अनेक प्रकार की समस्याओं से आपके घर में दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की जो सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में कैंसर, अनेक प्रकार के जो बीमारियाँ हैं, जो इन्फेक्शन है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, उस पर छाप लगा दिया है। और वो शैतानी ताकत जब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके शरीर में, आपके घर में, आपकी बीमारियों में आएगा, तो वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं भाग जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन नंबर 29 में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जो परमेश्वर कहता है, शैतान जानते हैं कि उसका विनाश निकट आ रहा है। जो शैतान है, जो भूत प्रेत हैं, उसका वो जानता है कि मेरा निकट समय आ चुका है, मतलब विनाश होने का निकट समय आ चुका है। हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तो उससे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। ये बात आपको याद होगी, जब प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यक्ति से मिलते हैं जो सांकलों से बांधा गया था, लोहे के जो सांकले होते थे उससे बांधा जाता था, उसमें अनेक प्रकार की शैतानी ताकत और दुष्ट आत्माएं थी। जब प्रभु यीशु मसीह नाव से उतरे और वो दूर से देख करके चिल्लाने लगा, क्या कहने लगा, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तो उससे क्या काम, क्या समय से पहले हमें दुख देने आ गया है। इसका मतलब वो शैतान जानता है, उसके अंदर पता नहीं कितनी शैतानी ताकत उसके अंदर प्रवेश की थी, बहुत सारी आत्माएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के केवल वहां पे आने से वो शैतानी ताकत जो है, बहुत सारी ताकत, बहुत शक्तिशाली, जो कि सांकलों में बांधा गया था, उसे वो तोड़ डालता था, जो इंसान की बस की बात नहीं है।
इतना मजबूत उसे बांधा जाता था, लेकिन शैतान की इतनी ताकत थी कि वो हर प्रकार के साकलों को तोड़ देता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने को टेक दिया। हालेलुया। तो आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके हर प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में जिंदा है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से भागेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शैतान आज जानता है, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो शैतानी ताकत, वो बंधन, वो हर प्रकार के टूटेंगे। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, जिस तरीके हम देखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है जो शैतान का विनाश शैतान के साथ ही अनंत अग्नि में डाले जाने द्वारा होगी, यानी होगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और वचन नंबर 41 में, अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर शैतान को वो आग में डाला जाएगा। और इस समय आप अपने घर में जो शैतानी ताकत काम करती है, जो बंधन है, अनेक प्रकार की जो जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं, जो हो सकता है कि आपको, आपसे कोई जलन रखता हो, और आपके घर में जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं का काम करता हो, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपकी लिखाई के लिए, आपके हर प्रकार की समस्याओं में वो बाधा बन करके शैतान आ रहा है, तो आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आज्ञा देंगे, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर बंधन आज वो टूटेगा यीशु मसीह के नाम से, और वो शैतान आपके घर से वो भागेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से इनके घर से निकल, इसी वक्त हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके से आपने हजारों शैतानी ताकत को आपने प्रभु यीशु मसीह एक सेकंड के अंदर उसे निकाल करके फेंक दिया यीशु मसीह के नाम से, आज इनके जीवन से, इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, यीशु मसीह के नाम से आज वो सबको दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त इनके घरों से, इनके परिवार से, यीशु मसीह के नाम से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, जो पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती और प्रार्थना, निशाओं को, हर प्रकार के दुख को पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके शरीर से पिता परमेश्वर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आशा लगा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। जो आज वो बीमार हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर, जो इस समय फीवर में पड़े हैं पिता प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर को कमजोर समझते हैं पिता परमेश्वर। बहुत ज्यादा जुकाम हो चुकी, सर्दी हो चुकी है पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है पिता प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत आपकी महिमा करते हैं कि आज उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करेंगे। जिनके सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं के लिए, प्रार्थना करते हैं मसीह के नाम से, वो दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास आज काम नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। जो आज इस समय घबराए हुए हैं, आज जिनके मन में बहुत ज़्यादा उदासी छाई है पिता, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज जिनके घर में शादियां हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। और जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, शादी के लिए पिता परमेश्वर लड़के बच्चे ढूंढ रहे पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि उनके मन का और उनके जीवन साथी को आप चुनने हैं और चुना है आपने, तो उनके जीवन को पिता परमेश्वर उनके सामने लाएं। क्योंकि आपने हर एक एक मसीह भाई बहनों के लिए आपने एक एक बेटी और बेटा चुना है, उनके रिश्तों के लिए, उनके जीवन के लिए दुआ करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके बच्चों को वो रास्ता दिखाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे, ताकि एक अच्छा जीवन साथी मिल सके, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शादी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं कि आज मेरे पास
पैसे नहीं हैं। आज मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, वहाँ से उनको चंगा करके पिता परमेश्वर उन्हें घर पहुँचाएँ। जिस तरीके पिता परमेश्वर उनके जीवन में हालात को देखते हुए पिता उनके हर प्रकार के जिस तरीके की उनके जीवन में समस्याएँ हैं, दुख और परेशानियाँ, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके घर में वो हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो गंदी आत्माएं काम करती है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज उनके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज अपने बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि मेरे बच्चे किस तरीके पढ़ेंगे, हम उनका एडमिशन कैसे कराएंगे, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और बहुत जल्द हर जगह एडमिशन शुरू हो जाएगा पिता परमेश्वर। और जो बच्चे बिगड़ गए हैं इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बेटे और बेटियां अच्छे रास्ते को नहीं पकड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो बेटे खास करके नशा करते हैं, इस मसीह के नाम से उन्हें मुक्ति दें, उन्हें आज़ाद कर। और जो अपने घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ झगड़े होते हैं प्रभु, आज उनके घर में आपने स्वर्गदूतों को भेज करके शांति लाए प्रभु, मेरे ईश्वर मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं दूर ईश्वर मसीह के नाम से निकल, ईश्वर मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। और जो कैंसर के पेशेंट है पिता परमेश्वर, जिनके आज डायलिसिस हुआ है ईश्वर मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जो डिप्रेशन में जा चुके हैं प्रभु, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके जीवन को एक नया रास्ता दे, एक नया मार्ग दे। कोई भी कारण हो पिता परमेश्वर डिप्रेशन में जाने का, चिंता में पड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी कारण है कि उनके जीवन में चिंता आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, और जिनके पास बहुत कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक प्रकार के कर्जा उनका पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की जो नौकरी चली गई है आज उनको मिलने पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु उनके जीवन से आज उन्हें ठीक कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो अपने खेत खलिहान को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से, ढेर सारा अनाज उनके जीवन में पैदा हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके खेतों में ढेर सारा फल आए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुर्दों में जान डाल देते यीशु मसीह के नाम से, तो आज ये जिंदे हैं पिता परमेश्वर, इन्हें छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो समस्याएं इनके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से, वो दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर, इसके लिए आज्ञा देते हैं। और जो शैतानी ताकत और जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके कोख में पिता परमेश्वर ढेर सारी आप ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, जिनके आज बच्चे एक भी नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके कोख को, उसके हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं काम करते, उसे खोल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से आशीष दे, उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा हो यीशु मसीह। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पूरा होने जा रहा, आपके जीवन में ब्लेसिंग देने जा रहा प्रभु, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की गूंगी और लंगड़ी और जो अंधी और जो भटकाने वाली आत्मा है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल, यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त निकल इसके शरीर से, इसके घर से, इसके बिजनेस से, इसके कामों से, इसके हर प्रकार के मन से, जो अनेक प्रकार के गंदे काम कर, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, आज जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, आज जो उनको रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा, यीशु मसीह के नाम से, आज वो अपने आप को हो सकता है कि सही अपने आप में समझते हों, लेकिन परमेश्वर यदि आपकी नज़र में सही नहीं है, तो उन्हें मार्ग दिखाइए, उन्हें सत्य और मार्ग जीवन दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छे मार्ग पर चल सकें और उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सके, ढेर सारा आशीष मिल सके यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा निकल, इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इसी वक्त बीमारियां, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। आज यदि पैरों में दर्द है तो आज्ञा दीजिए, यदि आपके कोई काम सफल नहीं होते हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से,
यीशु मसीह के नाम से इसे पूरा कर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ पूरा होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया, आपने चंगा किया। आपके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो काम करती है, वो सब कुछ दूर होने पाए यीशु मसीह निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन से वो निकलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के काम आपके सफल होने जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप सोचते हैं आपके मन में आज जो बातें चल रही पिता, सब कुछ पूरा होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर। नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम, दूर यीशु मसीह, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, इनके हेल्थ से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से, जो आज प्रकार ब्लड कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह, निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुना है, जो भी आपके मन में था आपने परमेश्वर से कहा है और बताया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है, और सुबह शाम आपको प्रार्थना थैंक्स इस चैनल के माध्यम से करते रहना है। परमेश्वर आपके आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया के माध्यम से आप बीज बोना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी फलवंत बनाएगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।